एक बार फिर गरमा गया है और इस बार मोर्चा राज ठाकरे ने संभाला है। नारा दिया है घुसपैठिए भारत छोड़ो का। हिंदुत्ववादी चोला ओढ़ने के बाद एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नए झंडे और नए नारे के साथ मुंबई के सियासी मैदान में उतरे तो एक बार फिर पुराने तेवर में नजर आए। माझा देश म्हणजे काय धर्मशाळा वाटली का हो या लोकांना? कुठच्याही देशामधलं लोकांनी आपलं यायचंय, कुठेही राहतायत, कुठेही जगतायत, प्रत्येक वेळेला काही माणुसकीचा ठेका नाही घेतला भारताने। मैदान में केसरिया लहरा रहा था, सामने हजारों की भीड़ थी और मंच से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे दहाड़ रहे थे। नाइजीरियन लोग आए, इस बार उनके निशाने पर वो घुसपैठिए थे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत में अपना ठिकाना बना चुके हैं। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष का ये टोन ये बताने के लिए काफी है कि अब उनकी सियासत का रुख क्या होगा। शिवाजी की राज मुद्रा से सजा ध्वज, राजनीतिक विरोधियों पर वार, घुसपैठियों पर प्रहार बता रहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे का यह नया सियासी क्लेवर है जहाँ निशाने पर अब घुसपैठिए है। माझा देश म्हणजे काय धर्मशाळा वाटली का हो या लोकांना? कुठच्याही देशामधल्या लोकांनी आपलं यायचंय, कुठेही राहतायत, कुठेही जगतायत, मला कल्पना आहे या गोष्टींची की या देशामध्ये अनेक प्रश्न आहेत। पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आहे, शिक्षणाचा प्रश्न आहे, आरोग्याचा प्रश्न आहे, पर बाहेरून येणाऱ्या घुसखोरांचा देखील तितकाच महत्वाचा प्रश्न आहे। आणि प्रत्येक वेळेला काही माणुसकीचा ठेका नाही घेतला भारताने। अपनी पार्टी के नए झंडे की ऊर्जा से लैस राज ठाकरे एक नए राजनीतिक मिशन पर निकले हैं। ये मिशन है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को घुसपैठियों से मुक्त कराने का। और खालिस ठाकरे स्टाइल में राज ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया कि अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए न तो वो व्यवस्था पर यकीन करते हैं और न ही सरकार पर। आज हे मोर्चे काढले ना देश भरामध्ये, त्या सगळ्यांना आज सांगून ठेवतोय, आज तुम्हाला दिसलंय मोर्चाला मोर्चाने उत्तर। यापुढे जास्ती नाटकं कराल तर दगडाला दगडाने उत्तर आणि तलवारीला तलवारीने उत्तर असेल। सिस्टम को हाथ में लेने का अंदाज पुराना है, जाना पहचाना है। रविवार को जब राज ठाकरे अपने घर से निकले तो साथ में पार्टी के वफादार सरदार थे और बेटा भी। कार्यकर्ताओं से घिरे राज ठाकरे अपने नए पॉलिटिकल मिशन के साथ ही पैदल ही आजाद मैदान पहुंचे। पहले गणपति बप्पा का आशीर्वाद दिया और फिर शिवाजी महाराज को नमन किया। मंच की पृष्ठभूमि से ही संदेश साफ था, पाकिस्तान बांग्लादेश की घुसपैठियों भारत छोड़ो। ठीक है, तुम्ही ताकत दाखवली आहे, त्याबद्दल मी शतशः ऋणी आहे। मी सांगितलं होतं की मोर्चाला उत्तर मोर्चाने असेल। आज तुम्ही सर्वांनी जे ज्यांनी मोर्चे काढले होते त्यांना सगळ्यांना चोख उत्तर दिलं तुम्ही। फायर ब्रांड राज ठाकरे रविवार की रैली में अपने पुराने अंदाज में नजर आए। रैली में आई भीड़ से राज ठाकरे उत्साहित दिखे। खास बात ये थी कि उद्धव की शिवसेना के छोड़े हिंदुत्व के मुद्दे को राज ठाकरे ने फौरन लपक लिया। पहले पार्टी का झंडा बदला, निशान बदला और अब घुसपैठियों पर वार करके नागरिकता कानून और एनआरसी का मुद्दा भी लपकने की कोशिश की। असेल किंवा एनआरसी असेल, जे जन्मापासून इथे राहत आहेत, जे वर्षानुवर्ष इथे राहत आहेत, त्यांना कोणी बाहेर काढत होतं? त्या दिवशीच्या अधिवेशनामध्ये मी म्हटलं होतं की पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी घुसखोरांना या देशातून हाकललेच पाहिजेत, त्याच्यामध्ये तडजोड पण होऊ शकत नाही। रविवार को मुंबई की सड़कों पर उमड़ा हुजूम और भगवा रंग अगर किसी के लिए खतरे की घंटी है तो वो है महाराष्ट्र के मौजूदा छत्रप उद्धव बाला साहब ठाकरे। असली हिंदुवादी होने के उनके दावे पर एक और ठाकरे गर्जना कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि हिंदुत्व पर ठाकरे परिवार के सियासी संघर्ष से सत्ता का कौन सा समीकरण बनता है। दिनेश मौर्य के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।